जय हिंद दोस्तों। अगर आप SSGD 2022 का फॉर्म भरे हैं और झारखंड राज्य से बिलोंग करते हैं और अभी तक अपने एप्लीकेशन स्टेटस चेक नहीं किए हैं और एडमिट कार्ड डाउनलोड कैसे करना है नहीं जानते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और अगर हमारे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों सबसे पहले अपने मोबाइल में क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है और उसके बाद उसी के ऑफिशियल वेबसाइट को सर्च कर लेना है ssc.nic.in। आप सर्च जैसे ही करोगे आपको पूरा नोटिफिकेशन देखने के लिए मिलेगा कुछ इस तरह से, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। उसके बाद अपने मोबाइल का जो साइड है डेस्कटॉप साइड में चेंज कर लेना है। तो आपको 3 डॉट में जो आपको दिख रहा है उसको क्लिक करना है। उसके बाद उसमें सबसे नीचे देखिए डेस्कटॉप साइड दिख रहा है, उसको क्लिक कर देना है। आप क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। उसके बाद ऊपर देखिए एडमिट कार्ड का ऑप्शन आ रहा है, एडमिट कार्ड वाला ऑप्शन को क्लिक करना है। तो क्लिक करते ही आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। उसके बाद सबसे ऊपर देखिए, सबसे ऊपर स्टैंड रीजन से लिखा हुआ है, उसको क्लिक कर देना है। इसमें आप नीचे करना है, थोड़ा ऊपर उठाना है स्क्रीन को। उसमें देखिए 26 तारीख को आया है, ये 26 दिसंबर को, इसको ओके कर देना है। जीडी वाला जो है कुछ इस तरह से आएगा। उसमें आपका रजिस्ट्रेशन आईडी नंबर डालना है, नाम डालना है और डेट ऑफ बर्थ डाल देना है और जो कैप्चा है उसको जोड़ के डाल देना है। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका एप्लीकेशन स्टेटस आ जाएगा, आपका रूम नंबर आ जाएगा, ईमेल रजिस्ट्रेशन आईडी आ जाएगा, आपका नाम आ जाएगा, आपका फादर्स नेम आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा, एग्जाम डेट आ जाएगा, एग्जाम टाइम आ जाएगा और किस शहर में आपका एग्जाम है वो भी आपको दिखेगा। अगर आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करना चाहते हैं तो एग्जाम से 4 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड इसी साइट में हो जाएगा। आपको सिर्फ रजिस्ट्रेशन आईडी के जगह रोल नंबर डालना है और नाम, डेट ऑफ बर्थ और कैप्चा डाल देना है और नेक्स्ट पे जैसे क्लिक करोगे आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। एडमिट कार्ड तभी आएगा जब आप एग्जाम के 4 दिन पहले सर्च कर रहे हो, तभी आपका एडमिट कार्ड दिखेगा, वरना नहीं दिखेगा। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर जरूर करना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जोहार।